बाल सभा को लेकर शिक्षक संघ सियाराम ने कलेक्टर को शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अवकाश के कारण शिक्षकों के संपर्क में नहीं है बच्चे। शिक्षा विभाग द्वारा 2 जुलाई को सभी विद्यालयों में बाल सभा का आयोजन करवाने की घोषणा की गई है, जिसको लेकर शिक्षक संघ सियाराम ने आज कलेक्टर को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि अवकाश की वजह से विद्यार्थी शिक्षकों के संपर्क में नहीं है, तो 2 जुलाई को सभा का आयोजन किस तरह होगा। इनका यह भी कहना है कि घोषणा ये भी हुई कि बाल सभा सार्वजनिक स्तरों पर की जाएगी, जिस पर शिक्षकों का कहना है कि इसकी वजह से विद्यालय पर आर्थिक भार पड़ेगा। इनकी मांग है कि तिथि को स्थगित किया जाए, साथ ही विद्यालय में ही सभा का आयोजन हो, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। संगठन बाल सभा का विरोध नहीं कर रहा है, बाल सभा चौपाल पे और सार्वजनिक स्थल पे जो बाल सभा की जा रही है उसका संगठन सरासर विरोध करता है। पिछली बाल सभा में भी कई जगह से अभद्रता की घटनाएं प्राप्त हुई थी, और पिछली बाल सभा में जब 9 तारीख को हुई है, आज 2 तारीख को होगी, बच्चों से किसी प्रकार का हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था का भी आलम अस्त व्यस्त हो रखा है। तो हम चाहते हैं कि बाल सभा थोड़ी 1 महीने आगे सरकाई जाए और विद्यालय परिसर में अनुमति दी जाए, अन्यथा इस बात का पूरे राजस्थान में विरोध किया जाएगा संगठन के द्वारा। ब्रजेंद्र शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ सियाराम। आज हम मुख्य शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर के माध्यम से हम ज्ञापन देने आए हैं। 2 जुलाई को शिक्षा विभाग द्वारा आदेश किया गया है कि पूरे राजस्थान में सभी विद्यालयों में बाल सभा का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के करना है। तो हम ये हमारी मांग ये है कि 2 जुलाई को सबसे पहली बात तो है कि विद्यार्थी हमारे संपर्क में नहीं है छुट्टियों के कारण, अवकाश के कारण, और जब अवकाश के कारण बच्चे संपर्क में नहीं है तो हम बाल सभा की तैयारी कैसे करवाएंगे, और सीधे ही 2 तारीख को हम कैसे बाल सभा आयोजन करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम सार्वजनिक स्थानों पे करेंगे तो इन व्यवस्थाओं को करने के लिए प्रत्येक विद्यालय के 5,000 से लेकर के 10,000 तक का खर्चा प्रत्येक विद्यालय में आर्थिक बोझ आएगा। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालयों को जो व्यवहारिकता है वो थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी, और वहाँ पर कई तरह के जो लोग होंगे वो उसको सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे, और पिछली बाल सभा जो थी वो इसी कारण से स्थगित करनी पड़ी थी, और वापस आदेश हुए थे कि आप विद्यालय परिसर में ही करें। हमारा संगठन बाल सभा के विरोध में नहीं है, लेकिन इनका जो तरीका है बाल सभा का वो गलत है, और आज हम ये मांग करते हैं कि आगामी ये 2 जुलाई को बाल सभा नहीं हो पहली बात तो, क्योंकि विद्यार्थी संपर्क में नहीं है, और आगामी माह में प्रत्येक माह में जो बाल सभा हो वो विद्यालय परिसर में ही आयोजन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर कई तरह की असामाजिकता फैलती है और उससे विद्यालय का वातावरण दूषित होता है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आगामी जो बाल सभा हो वो विद्यालय परिसर में हो, और 2 जुलाई की जो बाल सभा है वो स्थगित करने का आदेश जारी करें। इसके बजाय हम प्रवेश उत्सव के लिए हम रैलियां करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, वो हम करेंगे प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिए। माखनलाल माली, जिला मंत्री, राजस्थान शिक्षक सियाराम, अजमेर।